There is no evidence of any cash, of any gifts, anywhere. क्वेश्चन फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा पर गाज गिरती नजर आई। सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के मामले में लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई। अब सदस्यता रद्द हो गई तो महुआ मोइत्रा ने अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए शुक्रवार को कहा कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार इतना करने के बाद भी मुझे चुप नहीं करा सकती। अब ऐसे में विपक्ष की एकजुटता महुआ मोइत्रा के साथ नजर आई। जरा इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह से सोनिया गांधी संग कंधे से कंधा मिलाकर गांधी प्रतिमा के बाहर तमाम विपक्षी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध करते नजर आ रहे हैं। जरा ये रिएक्शंस भी सुनिए। देखा था, सदन में भी बात कही कि मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया। क्या कहेंगे 2005 के भी? देखो 2005 की मुद्दा आज की मुद्दा अलग है। मैंने ये भी उठाया कि चौक और चीज में फर्क होना चाहिए। उस समय स्टिंग ऑपरेशन सारे तथ्य साबुत सामने थे। इस समय एक अंदाज, एक सोच पे करा दिया गया और ये बदले की भावना से किए गए, बिल्कुल साफ है। अब मैं नहीं, 2 दिसंबर को आप देख लो, 2 दिसंबर मैंने जो पत्र लिखी थी उसी की आप थोड़ा पढ़ लो। आज भी सबके सब सांगमदी के पास है, मैं स्पीकर साहब को लिखी थी 2 दिसंबर, आज भी वही राय है मेरा। ये बेबुनियाद तथ्यों पर, आधारहीन और श्रेप और श्रेप बदले की भावने से ये किए गए हैं, ठीक नहीं। रोजाना सदन के अंदर सत्तारूढ़ पार्टी, खासकर मोदी जी, महिलाओं की महिमान्वित करने आ रहे हैं, गुणगान हो रहे हैं। और देखिए आज ये नए सदन में सबसे पहले महिलाओं को बलि पे चढ़ाया गई, बलि पे चढ़ाया ये सरकार, जिन्होंने रोजाना महिलाओं की महिमान्वित करते हुए अपने चुनावी वोट बैंक को और मजबूत करना चाहते हैं। मैंने इसलिए ये लगाया है कि कमेटी ने एक रिकमेंडेशन में हमारा भी जिक्र किया है, क्योंकि हम महुआ मोइत्रा को न्याय दिलाना चाहते हैं। वो न्याय नहीं हुआ, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। और एक तरफ पूरी दुनिया ने देखा रमेश विदुड़ी का किरदार, वहां संसद शर्मसार होता नजर नहीं आ रहा। आज संसद में सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है, ये क्या है? संसद की मर्यादा 21 सितंबर की रात को भंग हुई थी, जब रमेश विदुड़ी ने वहां जिस तरीके की गाली गलौज की, और अब कह रहे हैं कि संसद की मर्यादा ऐसे भंग हो रही है, क्या बात है? आज गांधी और अंबेडकर की आत्मा रो रही होगी। जो जिसने आरोप लगाया वो दुबई में बैठे हुए हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, उसके आधार पे आपने निर्णय ले लिया, तो ये कहीं ना कहीं एक जो नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस है उसके खिलाफ गया है। उम्मीद करती हूँ कि अब आने वाले समय में जब तृणमूल कांग्रेस से वो चुनाव लड़ेंगी तो उनको भारी बहुमत से जीत कर आएंगी और अपना पूरा कार्यकाल जिस तरीके से उन्होंने निभाया है उसे निभाती रहेंगी। बाद में कहा कि चाहे 7 मिनट चाहे कोई 5 मिनट बोलने दो, उनको बयान भी रिकॉर्ड होने दो, नहीं इन्होंने नहीं दिया। ये बड़े दुख की बात, संसदीय गणतांत्रिक प्रथा को इन्होंने दबा देने की कोशिश करते हैं। वॉइस ऑफ द ऑपोजिशन आर गोइंग टू बी गैग्ड, जिसको खिलाफ में इतना विरोध है, वक्तव्य है, उनका बात नहीं सुनोगे तुम? ऐसा नहीं होता कभी। और सबसे बड़ा बात है एनडीए, इंडिया का जो एलिस पार्टीज है वो सब एकजुट हो गए और एक साथ बोला, एक साथ गांधी मूर्ति का सामने आया।